हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे। लगभग 16 17 क्वेश्चन देखे हमने। आज आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीरीज़ के अंदर एक और भी पैटर्न आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं वो आज देखेंगे, और कुछ एक अलग क्वेश्चन। यानी नंबर सिस्टम आपका केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, यूनिट डिजिट पढ़ ली और उतना ही नंबर सिस्टम आपका पेपर में आ गया। पेपर में वैसा क्वेश्चन आजकल कम आता है। जो क्वेश्चन आता है, हम बेसिकली उसी टाइप के क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसका मान आपको निकालना है। यानी इस टाइप की भी आपको सीरीज मिल सकती है एग्जाम में। देखिए, इस टाइप की सीरीज में देखिए नंबर पे बेस्ड सीरीज है, तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे है। देखिए, नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ आपकी पैटर्न ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे है, और ये चीज़ अगर आपने पहले से देखी हुई है तो एग्ज़ाम में ईजी रहेगी। यानी कि जैसे मैं देखता हूँ, ये 4, ये 7+2, 6 9+2, यानी ये जो दूसरा नंबर है इससे 3 ज़्यादा है और 2 प्लस हो रहा है, 3 ज़्यादा है और 2 प्लस हो रहा है, 3 ज़्यादा है और 2 प्लस हो रहा है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसे अगर आप खोलेंगे, n² + 3n+2, यानी n+2 × n+1, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, एन और एन प्लस थ्री के बीच में दो आने वाले नंबर n+1 और n+2। अगर आप देखते हैं, 4 × 7+2, इसके बीच के दो नंबर हो गए 5 × 6। इसी तरीके से इसके बीच के दो नंबर हो गए 7 × 8। ऐसे आप आगे जाते रहेंगे, 101 × 102। यहाँ आप देखते हैं, 6 × 7, 8 × 9, 100 × 101। तो 6 से लेकर 101 ये कट जाएगा, बचेगा केवल 510। तो 510 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर बात यह है कि अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो आप इजीली कर लेंगे। पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे एक बार दोबारा से बता देता हूँ, हमें यहाँ से देख के कोई पैटर्न बनाना है n × n+3+2। इसको आपने बनाया सॉल्व करके तो ये ऐसे बन गया। यानी इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, इसके बीच वाली दो संख्या, क्योंकि n के बाद कौन सी संख्या आएगी, n+1, फिर आएगा n+2। तो वही दो आपने लिखी है और इसको काटा है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का सीरीज भी आपको मिल सकता है। देखते हैं। देखिए देखिए, ध्यान से देखना है। केवल ध्यान से देखने से ही इसका आंसर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है इसे सॉल्व करना पड़े। ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है। अगर मैं करता हूँ इसे, ये 14 हो जाएगा, ये 15, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 28 तक। नीचे क्या आएगा, 2 से लेकर 15 तक आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ऊपर वाला पार्ट लिखा मैंने 14 से लेकर 28, नीचे वाला पार्ट लिखा 2 से लेकर 15। भाग करना है किससे, ये 16 हो गया,
17 हो गया यहाँ से लेकर 28 तक, नीचे क्या आएगा 2 से लेकर 13 तक, यह आ जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ये सीरीज देखता हूँ तो 16 से लेकर 28 तक देखिए सब कट जाएगा, 16 से लेकर 28 तक इससे कट जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 2 से लेकर 13 तक कट जाएगा, 2 से लेकर 13 तक कट जाएगा, बचेगा क्या 14 15, 14 15 आंसर आपका एक आ जाएगा। यानी ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल देखने वाला पार्ट था। एक बार दोबारा से समझिए बात को, देखिए इस चीज़ को मैंने लिख के बताया, बाकी लिख के देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं सीधा सीधा पूछता हूँ यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा 2 से 15, नीचे वाले पार्ट में क्या मिलेगा 2 से 13, तो 2 से लेके 13 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या 14 15, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया। यही चीज अगर हम ऊपर वाले में देखते हैं 14 से लेकर कहाँ तक आएगा 28 तक, पर ये क्या है 16 से लेकर 28, ऊपर 14 से लेकर 28 लिखा है, नीचे 16 से लेकर 28 लिखा है, बचेगा क्या 14 15, आंसर आपका एक आ जाएगा। तो एक आपका आंसर हो जाएगा। यानी सेम चीज़ को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसा ना लिखकर, ये हमने लिखकर देखा है कि लिख के ये किस तरीके से बनेगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 20वां क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप की सीरीज भी आपको सेम मिल सकती है एग्जाम में। देखिए ध्यान से देखना है इसे, अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, ये निकालना है। देखिए ये इवन और ऑड दोनों हैं, ये केवल ऑड ऑड है, यानी पूरे में से पूरी सीरीज में से अगर हम इवन वाले घटा देते हैं तो केवल ऑड वाले बचेंगे, यानी 1 3 5 7 इस तरीके से। इसमें से अगर मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, यानी इस तरीके से बचेगा। इसकी वैल्यू क्या है एक्स है, ये क्या हो गया ये भी एक्स हो गया, यानी एक्स माइनस 1/4 एक्स जो कि 3/4 एक्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कुछ एक सीरीज आपको इस पैटर्न में भी मिल सकती है, यानी इस तरीके से बनी भी। लेकिन नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि आप सीरीज पे अच्छी पकड़ बना के चलें, और सीरीज अलग अलग टाइप से घूम सकती है। वो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा, ऐसी इसी क्लास में देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप से पैटर्न पे किस हिसाब से सीरीज बनेगी। आपने देखा ये टोटल सीरीज थी, इसमें से ऑड वाली निकालनी है तो इवन वाली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, इवन वाली आपको सब्ट्रैक्ट करी, 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गया दोबारा से वही सीरीज, यानी इसको एक्स दे रखा था हमने, ये भी एक्स है, तो 3/4 एक्स आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा।